वाराणसी गोरखपुर फोर लेन मार्ग पर गाजीपुर जिले के जंगीपुर के पास बड़ा सड़क हादसा। बीती रात्रि में देर रात्रि में वाराणसी के तरफ से बस आ रही थी और सामने रोड पर एक ट्रक जिसका टायर ब्रस्ट हुआ था, ट्रक चालक खड़ा करके टायर बदल रहा था। तेज गति से आ रही बस पीछे से आके टायर बदल रही ट्रक में टकरा गई। टक्कर के बाद जोरदार आवाज के साथ दोनों वाहनों के आगे और पीछे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस चालक सहित उस पर सवार खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों और फोर लेन के कर्मचारियों सहित पुलिस द्वारा किसी प्रकार बस से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिस ट्रक में टक्कर बस ने मारी थी उस ट्रक का चालक दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रक में पीछे से आकर टक्कर मारने वाली तीव्र गति बस वाराणसी के बाबतपुर क्षेत्र से सिर्फ खलासी के साथ चालक सिकुमार दुबे बस लेकर ये गोरखपुर जा रहे थे। गोरखपुर से यात्रियों को लेकर इनको नेपाल यात्रा पर जाना था। ये तीव्र गति से वाराणसी की तरफ से आ रहे थे, उसी दौरान रोड पर टायर बदल रहे ट्रक में इनकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक सिकुमार दुबे उम्र 40 वर्ष निवासी हिरकुटी थाना सेवापुरी वाराणसी सहित खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में बस से निकालकर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गाजीपुर में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में हालत गंभीर होने पर इन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद तेज आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल गाजीपुर भिजवाए। दुर्घटना के वाराणसी की तरफ से गोरखपुर जा रही तीव्र गति बस के दुर्घटना के दौरान बस पर मात्र चालक और खलासी सवार थे, कोई यात्री नहीं था। इससे बड़ा हादसा हो सकता था अगर अन्य यात्री सवार होते तो भी दुर्घटना के शिकार होते। हादसे के बाद तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि में ट्रक का टायर फटने का उन्होंने आवाज सुनी थी। उसके बाद कुछ देर बाद बस आकर उस ट्रक के पीछे से भिड़ गई। दुर्घटनाग्रस्त बस को मेन रोड से हटाकर एक बगल में स्थित ढाबे पर खड़ा कराया गया है, जबकि ट्रक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। बहुत रफ्तार ही रहना, गाड़ी कंट्रोल ना कर पाना, नहीं बचा। बाकी जैसा बुजुर्ग पूरी तरह नॉर्मल का गाड़ी और ड्राइवर मर्जी उनकर बाप सबसे ड्राइवर के खतरा घटना है। जब घटल जब से बड़े भैया घटना भाई ना तो मर लड़े के भाई तो लड़ने पर बजी अब ये जगह बंगाली बाबी को क्या रहे जगह हो जब बड़ा मेरे को वहाँ से लेके आए पुलिस के बीच में ले अब यहाँ से कोई घटना हुई सन लड़े के भाई अभी रात में बेचारू रोड पर हुआ साफ गाड़ी एकदम भाई बत्तियो दिखाई दे लम्बा दिखाई दे ही ना।
12 बजे रहती है कहा अब देखा बचेगा तो बचल ही हूँ ना। दिक्कत ना हुई यहाँ बराबर 2400 घंटा यहाँ आदमी रहता है। हाँ हाँ ना।